कौन है वो? बोलो अरीबा, कौन है वो जिसे मैं नहीं जानती और जिसके साथ तुम इस हद तक आगे बढ़ चुकी हो कि तुमने अपनी दोस्त की खुशियों को नजरअंदाज कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं है। क्यों परेशान कर रही हो? मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता खत्म हो। तुम अरीबा की वालदा से मिलने गई थी, क्या कहा उन्होंने? असल में तो मैं अरीबा से मिलने गई थी मगर वो घर पे नहीं थी, वो रूहान के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। रूहान के साथ? हाँ, हम वैसे ही कुछ ज्यादा परेशान हो गए थे और जमल को भी कर दिया था। मुझे लगता है कि उन दोनों का आपस का कोई मसला था जो शायद वो खुद ही हल कर लेंगे। चलो ये तो अच्छा हो गया, ये तो अब रूहान से मिलके पता लगाया जा सकता है। हाँ, वो आएगा अभी तो पूछूंगी उससे। चलो ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? सादिया। सादिया, राफेल को जानती हो? जी, वो मेरे बॉस की बेटी है। और मैं उस बॉस की बीवी हूँ। आप राफेल सर की मॉम है? कैसी हैं आप? तुम दोनों की शादी होने वाली थी अरीबा। हाँ तो शादी भी तो खत्म हो जाती है ना। अरीबा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? जमल, मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? अब जब तुम ये रिश्ता खत्म कर रही हो तो सब तो मुझे ब्लेम करेंगे ना, और फिर मेरे ससुराल वाले। जमल, मैं ये सब सोचूं या फिर अपनी जिंदगी का? जमल। जी आंटी। क्या बात है बेटा, तुम इतनी डिप्रेस क्यों लग रही हो मुझे? नहीं तो आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कम ऑन, तुम उसे शेयर नहीं करना चाहती हो? ऐसी कोई बात होती है जो मैं आपसे शेयर ना करूं? आप परेशान हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। श्योर? यस। देखो बेटा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब माशाल्लाह से तुम एक्सपेक्ट कर रही हो, तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, बेबी पे बुरा असर पड़ता है। कम ऑन, जाओ जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाया है कमरे में। रूहान बेटा। जी मैम। तुम अरीबा के साथ थे? जी। सब मामला ठीक हो गए? बेटा, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? मामा फिक्र ना करें, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने रूहान को समझा दिया, वो बच्चे की पैदाइश तक चुप रहेगा। गुड, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें सबको अपनी फेवर में करना होगा फारिस। जानता हूँ अरीबा, हमारे पास 7-8 माह का ही वक्त है, इसके बाद जमर को तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना होगा। यार अरीबा, कितनी बार एक ही बात कहोगी? क्योंकि मेरी तसल्ली नहीं होती। तुम्हारी तसल्ली कैसे होगी, मैंने वादा तो किया ना तुमसे। तुम्हारे वादे तुम्हारी बातों से भी ज्यादा जल्दी बदल जाते हैं। For God's sake, अरीबा, प्लीज बस कर दो अब। मुझे तो ये डर है कहीं तुम भी ना बदल जाओ। नहीं होगा ऐसा कुछ। पता नहीं, लेकिन मैं डरती तो रहती हूँ ना। सुनो अरीबा, कोई और बात करते हैं ना। इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं कमरे में हूँ। और जमर? वो शायद मॉम के पास है। अब क्या है, खामोश क्यों हो गए तुम? एक बार तुम हद पार कर चुके, अब ये गलती दोबारा ना हो। नहीं होगी ये गलती दोबारा। अच्छा बस, खुदा हाफिज। नहीं जल्दी क्या, थोड़ी बात कर लो। मुझे नींद आ रही है, सोने लगी हूँ मैं।
आप किसी सादिया नामी लड़की को जानते हैं? आपके ऑफिस में काम करती है? नहीं, ये वर्कर्स को रखने और निकालने का काम अमित करता है, तुम तो जानती हो। फिर भी कुछ तो अंदाजा होगा। यार आए दिन नई हायरिंग हो रही होती है, कुछ लोग फायर हो रहे होते हैं, इन सबको याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल वो आपके ही ऑफिस में काम करती है। हाँ करती होगी, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि हमारा इकलौता बेटा उसी लड़की में इंटरेस्टेड है। ओह आई सी, अब समझा मैं। मेरी आंखों के सामने सब होता रहा और मुझे पता नहीं। इसलिए कहती थी कि आप थोड़ा अलर्ट रहा करें। हाँ अलर्ट रहने की जरूरत तो थी। वैसे हमीद को पता नहीं लगा, वरना आपको वो जरूर इन्फॉर्म कर देता। अब तुम क्या चाहती हो, उस लड़की को ऑफिस से निकाल दूं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है। अगर नहीं निकालूंगा तो राफेल उसको रोज मिलता रहेगा और उस लड़की को भूल नहीं सकेगा। अच्छा सुने, मैं आज उस लड़की को मिलकर आई हूँ। अच्छा जी, और वो लड़की मुझे अच्छी भी लगी है। वाकई? हाँ, उसकी बात करने का तरीका, सलीका बहुत अच्छा था और चेहरे पर भी बहुत मासूमियत थी। अच्छा भाई, पहली मुलाकात में इतना ज्यादा जज कर लिया तुमने उसको? हाँ जज तो कर लिया है, क्योंकि मुझे उस लड़की में कोई बुराई नजर नहीं आई। ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा पसंद है तो अपने बेटे राफील से बात करो, और तुम्हारे बेटे की खुशी से ज्यादा और क्या चीज अच्छी है? सोचती हूँ। हाँ जरा अच्छी तरह सोच लेना, फिर कल को मुझे कुछ ना कहना। अच्छा वारिस, आज जरा ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। क्यों? मुनज़्ज़ा ने हमें इनवाइट किया, आज डिनर पे जाना है उसके लिए। अच्छा, मॉम ने मुझे तो नहीं बताया। हाँ मुझे कह रही थी कि मैं हर दफा इनविटेशन का कहती हूँ तो जमल मुझे मना कर देती, इसलिए इस दफा उसने मुझे डायरेक्ट ही कह दिया। भाई शुमाइला, मुनज़्ज़ा को मना करना था, इन सब तकल्लुफ की क्या जरूरत है? वारिस यही तो मोमेंट्स होते हैं जब फैमिली मेंबर्स इकट्ठे बैठते हैं, गपशप करते हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, अदरवाइज खाना तो हम सब अपने घरों में खाते हैं। अच्छा तो ये बात है भैया, फिर तो जाना पड़ेगा क्योंकि वो अब हमारे बेटे की इन-लॉज हो गए। ऑफ कोर्स, और मैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी खरीद लूंगी। आंटी तो फिर मैं भी साथ रहूंगी। हाँ हाँ श्योर, लेकिन जमन तुम नहीं बेटा, जब तक बेबी की बर्थ नहीं हो जाती ना, थोड़ी एहतियात कर। आंटी वो तो ठीक है, लेकिन ये गिफ्ट्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा और मुनज़्ज़ा का आपस का मामला है, ओके? तुम टेंशन मत लो। अरे जमल बेटा कर लेने दो, खुशी का मौका है, जो शुमाइला का दिल करता है इसे कर लेने दो। जी अंकल। फारिस तुमने भी सुन लिया ना? जी सुन लिया। तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, मैंने कहा मैं पूछ लूं सुना भी है या नहीं। हाँ जी मॉम बोले। वो क्या नाम था उस लड़की का? सादिया। मैं मिली थी उसको। व्हाट मॉम, आप मिली थी? कब, कहाँ? ऑफिस में, तुम्हारे डैड को मिलने गई थी तो वहीं उससे मुलाकात हो गई। तुमने बताया नहीं कि वो हमारे ही ऑफिस में काम करती है। जी मॉम वो हमारे ऑफिस में जॉब कर रही है। अच्छा तो ऑफिस में शुरू हुआ था ये सिलसिला। मॉम कैसी लगी वो आपको? झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे अच्छी लगी है। रियली मॉम, सच कह रही हैं आप? ज्यादा खुश ना हो, एक ही मुलाकात में मैं कोई फैसला नहीं कर रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आप दोबारा मिल लीजिएगा। ठीक है मिल लूंगी। Really? Mom, मैं अभी उसे बताता हूँ, एक सेकेंड। राफेल ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे मिलने को कहा, अपनी बहू बनाने के लिए नहीं कहा। मॉम आप एक बार मिल लेंगी ना तो बहू भी बना लेंगी। एक मिनट। वो आ भी रही है कि नहीं? ऑब्वियसली आ रही है मामा, अभी बात हुई है मेरी उससे। मैंने कहा भी था कि हम उसे पिक करते हुए ना घर से ले आते। उसे ये सब पसंद नहीं। बस तुम पसंद हो। यस। देखिए वो आ गई।
वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कलर अच्छा लग रहा है तुम पे। शुक्रिया। शादी पे तो हर कलर सूट करते हैं। कितने अफराद हैं घर में? जी मैं, अम्मी और बड़ी बहन। बड़ी बहन की शादी हो गई? बस निकाह हुआ है। अच्छा, कहाँ? वो एक अच्छे घर में हुआ है। कितना अरसा हो गया निकाह को? जी थोड़ा ही टाइम हुआ है। शादी कब तक कर रहे हैं? वो तो अम्मी को ही पता होगा। मामा कुछ ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। मॉम आप देखें क्या ऑर्डर करना है। माशाल्लाह काफी दिनों के बाद ऐसी गेट टुगेदर हुआ है हमारा। हाँ, बस मैं इतने दिनों से इन्हीं खुशियों के लिए तो दुआ कर रही थी। वैसे शुमाइला इन सब तोहफे तहाइफ की क्या जरूरत है? भाई ये बात करके ना तुमने ये कंफर्म कर दिया है कि तुम जमल की मम्मी हो। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी कुछ देर पहले जमल भी यही बात कर रही थी। तो ठीक ही कह रही थी ना। अरे जमाल भाई अब वो जमाने नहीं रहे कि हर दफा लड़की वाले ही तोहफे तहाइफ लेकर आए। भाई हमारा भी तो कोई हक बनता है। अच्छा भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। चलें आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। अच्छा बेटा चाय तो लो। हम तो इतने खुश हुए कि आप सोच नहीं सकते। अस्सलामुअलैकुम जी। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ भी रोहान मियां, काफी देर से हम आपके मुंतजर थे। कहाँ थे आप? बस जरा बाहर गया हुआ। अरे रोहान बेटा जाओ जमल को मुबारकबाद दो। जी माँ। अस्सलामुअलैकुम। रोहान कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मुबारक हो। थैंक यू। I'm really sorry, मैं पहले मुबारक नहीं दे सका। कोई बात नहीं। Hi Rohan, कैसे हो? Hi Rohan, कैसे हो? Rohan, ये ज़लील इंसान से मैं हाथ मिलाने से पहले मैं तुम्हारा खून ना पी जाऊँ। रोहान अरे इससे क्या हुआ? पता नहीं। अरे कुछ नहीं हुआ, he's just tired I think, don't worry about it. Excuse me. कहाँ से आ रही हो? अपने किसी काम से गई थी। ठहरो ठहरो, ये इतना बन ठन के तुम गए कहाँ थे? राफेल की अम्मी से मिलने। ओ तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। जी। लगता है तुम्हें देखते ही रिजेक्ट कर दिया, तभी तो तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। नहीं अरे बापी, मेरा मुंह आपकी वजह से उतरा हुआ है। मेरी वजह से? क्यों? क्योंकि जब राफेल की अम्मी ने मुझसे आपके बारे में पूछा तो मुझे समझ में नहीं आई कि मैं क्या कहूँ। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है, मंगनीशुदा है, निकाह याफ्ता है या अनमैरिड? कैसा घराना है उसका, ससुराल कैसा है, शोहर कैसा है, शादी को कितना अरसा हुआ है? उन्होंने मेरे बारे में ये सब पूछा ही क्यों? क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था
कि हम आपकी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। बात सुनो, ज्यादा बेचारी बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अगर मेरी वजह से कोई मुसीबत में है तो वो सिर्फ मैं हूँ, और अगर कोई मुश्किल में है तो वो भी मैं ही हूँ। अच्छा, तो फिर आपकी वजह से अम्मी को हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? पता है, उस दिन कुछ भी हो सकता था। आपकी इतनी टेंशन ले ली थी अम्मी ने। हाँ तो मत लो ना टेंशन। मैं तो खुद कहती हूँ कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। हम आपकी तरह सिर्फ अपना नहीं सोचते। हाँ तो मत सोचो। जो गलती मैंने की है उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगी। तुम लोगों को हमदर्दी समेटने की कोई जरूरत नहीं है। चलें, आपने अपनी इस हरकत को गलती तो तस्लीम किया, बहुत जल्द आप इसे गुनाह मानने को भी तैयार हो जाएंगे। जी मामा, तो आप बताएं कैसी लगी शादी आपको? अच्छी है, लेकिन लेकिन पता नहीं, मैंने जब उससे उसकी बड़ी बहन का जिक्र किया तो कुछ घबरा गई। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तुम्हारा तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लग रहा, पर मुझे यकीनन ऐसा लग रहा है। शायद कोई बात है। मसलन क्या बात? मुझे क्या पता, पर कोई बात है जरूर जो सादिया छुपा रही है। ठीक है, मैं पूछ लूंगा उससे। तुम रहने दो। रोहान, तुम्हें आंटी खाने पे बुला रही हैं। कह दो, मेरा मूड नहीं है। थोड़ा सा खा लो यार। मैं अपने दोस्त के साथ बाहर खा कर आया। फिर ऐसा करो कि बस सबके साथ ही जाके बैठ ही जाओ। मेरा किसी के साथ बैठने का मूड नहीं है। और अगर अरीबा होती तो तब भी तुम यही कहते? पता नहीं। मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम फारिस से नाराज हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जिस तरह तुमने अभी फारिस से बात की, मुझे लगा कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं वैसे भी तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकती ना। हाँ, मैं फारिस से नाराज हूं। इस हद तक कि अब मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नफरत हो गई है मुझे उससे। क्यों? अरीबा की वजह से? तुम क्या जानती? इस बारे में बाद में बात करते हैं रोहान, अभी मुझे आंटी बुला रही है। ठीक है। भाई, जब सब इकट्ठे हुए थे तो अरीबा को भी बुला लेते। क्या जरूरत है? अब मेरा मतलब है कि फिर कभी सही। वैसे मुझे बताओ तो, तुम अरीबा और रोहान की शादी कब कर रही हो? भैया, देर नहीं करनी, अब तो जल्दी शादी करेंगे। एक दो रोज में जाऊंगी मैं अरीबा की वालदा के पास। अब दो तीन मसले और भी हैं, उनकी भी बात करनी है। कैसे मसले भाभी जी? अरे नहीं वारिस, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है, बच्चे हैं। फिर भी कुछ हमें भी बताएं, हमें भी तो कुछ पता चले। वैसे हमारे ज़माने अच्छे थे, बारात के दिन ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते थे। अब तो शादी से पहले मोहब्बत भी हो जाती है और लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। क्यों, कुछ हुआ इन दोनों के बीच में? हाँ हुआ था, मगर फिर दोनों ने खुद ही ठीक कर लिया। Really, Mom? हाँ, मैंने रूहान से पूछा था। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, मैंने ऐसे अरीबा को इतनी बातें सुना दी। लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम हो गया था। अरे नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। भाभी जी, मेरा तो मशवरा है कि इन दोनों की शादी बस
जल्द से जल्द कर दी जाए। मैं बस यही समझा रहा हूँ कि जल्दी शादी करनी चाहिए। जी भाई साहब, अब हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे। तुम तो बहुत लकी हो यार, इतना अच्छा लड़का। हाँ, लेकिन अभी उसकी अम्मी ने मुझे और मेरी अम्मी को अप्रूव नहीं किया। बिग प्रॉब्लम। वैसे अगर लड़का राजी हो तो माँ बाप भी मान ही जाते हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि राफेल कोई भी बोल्ड स्टेप उठाए या अपने माँ बाप के सामने तन के खड़ा हो जाए। क्यों? मैंने देखा है ऐसी शादियों का अंजाम अच्छा नहीं होता। कहाँ देख लिया? बस ड्रामों वगैरह में। अरीबा आपी को पता है? हाँ, वो तो बहुत खुश हुई होंगी क्योंकि छोटी बहन की शादी उनकी तरह एक बहुत बड़े घराने में होने जा रही है। बात अभी तक शादी तक नहीं पहुंची। तो दिल क्यों छोटा करती हो? बस दुआ करो। राफेल की अम्मी हमारे घर आना चाह रही है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अम्मी से बात करो। तुमने मुझे ये बात करने के लिए यहाँ बुलाया है जबकि ये बात तुम अरीबा आपी के जरिए भी कर सकती थी। हाँ, लेकिन वो अरीबा आपी से शादी बात इतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। तो मैं भी तजर्बेकार नहीं हूँ मेरी जान। तुम बस इशारा दे देना, बाकी वो खुद समझ जाएंगी। आंटी जानती है राफेल को? हाँ, बस नाम से वाकिफ है। चलो, तुम्हारे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा मेरी जान। थैंक यू सो मच। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। साहब से कहिए वारिस अली खान। सलाम साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सकीना? मैं ठीक हूँ साहब। तुम इस ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करती हूँ साहब। काम? अगर तुमने काम करना था तो फिर हमारा काम क्यों छोड़ा? मुझे तो बताया गया था कि तुम सब काम नहीं होता, तुम अपने गांव वापस जाना चाहती हो। साहब, मैंने काम नहीं छोड़ा, मुझे निकाल दिया गया था। निकाला क्या? किसने? शुमाइला बीबी ने। लेकिन क्यों? सकीना देखो, तुम्हारा बरसों बरस का साथ था, बताओ उसे क्यों निकाला तुमने? क्योंकि साहब मैं कुछ ज्यादा ही जान गई थी। किस बारे में जान गई थी? तो बताती हूँ साहब। कौन? रीबा, मैं हूँ फारिस, जल्दी से खोलो। रीबा प्लीज, खुदा के लिए चुप कर जाओ। कैसे चुप कर जाऊं? इतना कितना गंदा और घटिया इल्जाम लगाया मुझ पर। मेरा तो कहीं डूब मरने को दिल चाह रहा है। हाँ जी बस, अब अगर एक लम्हा और सकीना इस घर में रही तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। रिलैक्स बेटा, अपने अंकल को तो आने दो, फिर मिलके फैसला कर लेते हैं। नहीं आंटी, हमें किसी की और नहीं सुनूंगी। आपको अपने बेटे पे तो यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड पे पूरा यकीन है। सकीना भी झूठ बोल रही है। फिर शुमाइला बीबी ने मुझे बोला कि तुम जा सकती हो घर से, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। सादिया, इधर आओ। जी मैं। चली गई मरियम? जी। मरियम के मुंह से कहलवाने की क्या जरूरत थी? तुम खुद भी तो मुझे कह सकती थी। इस घर में हम अफराद ही कितने हैं, गिनती के तीन, कोई पर्दा नहीं है। मैं हमेशा तुम लोगों की माँ नहीं, दोस्त बनकर रही हूँ।
जी अम्मी। कब आना चाह रही हो? जब आप कहें। तुम्हें लगता है कि वो हमारी इस घर बार को देखकर तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लेंगी? मुझे अंदाजा नहीं है। बहुत समझाया था तुम्हें, अगर तुम नहीं समझी तुम्हारी मर्जी। अम्मी, अम्मी एक दफा बुला लेने में क्या हर्ज है? ठीक है, कल बुला लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? अगर उन्हें तुम और हमारा ये घर बार पसंद नहीं आया तो तुम जॉब भी छोड़ दोगी और राफेल को भी। ठीक है जी अम्मी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस घर में अरीबा वाली कहानी दोहराई जाए। फिर अम्मी मैं भी वैसे ही करूंगी जैसा आप चाहती हैं। ठीक है, बुला लो उन्हें। सुने ये बात तो सुने डैड। लड़की, तुम इस घर में क्या कर रही हो? मैंने तो सुना था कि लड़के बेवफा होते हैं, लेकिन यहां तो लड़कियां बेहया निकली। कब से चल रहा है ये सब कुछ? बोलो फारिस, कब से? काफी अरसे से मुझे तो लगा कि तुम दोनों में कोई अफेयर चल रहा है जिसे मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगा, लेकिन आज वो सकीना मुझे मिली। उसने मुझे बताया कि तुम दोनों तो हदें पार कर चुके हो। फारिस, तुम चुपचाप खड़े देख क्या रहे हो? आवाज नीची रह के बात कर। एक तो चोरी, ऊपर से सीना तो। कैसी चोरी? हमने कोई चोरी नहीं की। एक नामहरम लड़के के साथ एक छत के नीचे खड़ी होके मुझे कहती हो कैसी चोरी? फारिस, जानती हो रीबा, तुम जैसी लड़कियों को ये माशरा किस नाम से पुकारता जानती हो? मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है, वो लफ्ज़ मैं अपने जुबान पर ला नहीं सकता, लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात याद कराने के लिए मैं बताना चाहता हूँ अरीबा, कि तुम जैसी लड़कियों को ये माशरा। बस कर दें आप, बस कर दें। मैं कोई गैर नहीं हूँ और ना ही फारिस मेरे लिए नामहरम। हम दोनों की शादी हो चुकी है। के वालिद का इंतकाल कब हुआ था? वो सादिया तब 2 साल की थी। तो आपका ये सर्वाइवल वगैरह कैसे हुआ? मेरा मतलब है गुजरुकात। अजीब, अल्लाह की जात का बड़ा करम रहा। ये तो शुक्र है कि ये छत हमारी अपनी है। मेरी एक बहन है खदीजा बाजी,
बड़ा साथ दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया घर पे। मोहल्ले से काफ़ी काम आ जाता है। अब तो अल्लाह का शुक्र है हालात काफ़ी बदल गए हैं। अब अरीबा की भी नौकरी लग गई है, सादिया भी नौकरी करती है। अरीबा नज़र नहीं आ रही। जी जी वो जॉब पे गई हैं। अरीबा के निकाह को कितना अर्सा हो गया? जी वो एक साल हो गया। पर सादिया तो कही थी थोड़ा ही अर्सा हुआ। वो जी आजकल एक साल भी तो छोटा सा हो गया है ना। रुखसती कब तक करेंगे आप? वो बहुत जल्दी। चलें अच्छी बात है। आप ये चाय लेना। जी जी थैंक यू। ये कब हुई है शादी? काफी अर्से से। फिर तुमने जमल से शादी क्यों की? मैंने आपको कहा भी था मुझे जमल से शादी नहीं करनी, आप लोगों ने मेरी बात मानी नहीं। मतलब तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने चाहा? जी। अब क्या करना है? मैं जमल के साथ नहीं रह सकता। और जमल जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है वो? डैड क्या हुआ? दुनिया में बहुत रिश्ते हैं जो इस मकाम पर पहुंचकर भी खत्म हो जाते हैं। क्या फैसला है तुम्हारा? किसके साथ रहना है तुमने? मैंने अरीबा के साथ रहना है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। ठीक है फिर तुम जमल को तलाक दे दो। आज के बाद हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा फारस। डैड आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ फारस, और अपने पूरे होश और आवास में कह रहा हूँ फारस, आज के बाद ना मेरे घर में और ना मेरे ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश करना। कल के अखबार में पढ़ लेना कि मेरा अपने अकलौते बेटे के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। डैड प्लीज मेरी बात सुने। मैं सुनूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। इस लड़की को तलाक दे दो फारिस। डैड ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और सब कुछ ठीक हो सकता है फॉरेस। तुम्हें फैसला करना होगा ये लड़की या फिर तुम्हारे माँ बाप। मुझे कोई जल्दी नहीं है फॉरेस, आराम से ठंडे दिमाग से सोचकर फैसला करो। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार होगा। ये लड़की माँ बाप। मैंने आपको कहा भी था मुझे जमल से शादी नहीं करनी, आप लोगों ने मेरी बात मानी नहीं। मैं जमल के साथ नहीं रह सकता। सवाल जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है वो? डैड क्या हुआ? दुनिया में बहुत रिश्ते हैं जो इस मकाम पर पहुंचकर भी खत्म हो जाते हैं। क्या फैसला है तुम्हारा? मैंने अरीबा के साथ रहना है। तुम्हारा बाप खड़ा हुआ मुझे बातें सुना रहा था और तुम चुपचाप सुन रहे थे। तो और क्या करता,
मारता अपने बाप को? नहीं नहीं, उसके साथ मिलके तुम भी मुझे बातें सुनाते, गालियां देते। अरीबा, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे प्लीज मजीद परेशान मत करो। क्यों, तुम क्यों परेशान हो? अपने बाप को फैसला सुना चुके हो ना, अब क्यों परेशान हो रहे हो? डैड भी मुझे अपना फैसला सुना चुके हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनके ऑफिस और घर में कदम ना रखूं। तो फिर क्या हुआ, हमने घर तो बना ही लिया है और बिजनेस तुम सेट कर लोगे ना, इतना पैसा तो है ना तुम्हारे पास। जितना था ना उसे ये आलीशान घर ले लिया तुम्हारे लिए, अब मेरे पास बिजनेस के पैसे नहीं रहे। क्या, तो फिर तुम तब से क्या कर रहे थे फारिस? मुझ पर मत चलाओ, कभी अपने खर्चे देखें? एक वक्त पे 1,00,000 की शॉपिंग से कम करती नहीं हो और मुझ पर बोल रही हो। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुमसे शादी करने के बाद भी मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा। अभी भी अपने लाइफस्टाइल के शिकवे कर रही हो? तो और क्या करूं? अरीबा, इस वक्त हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? बस छोड़ दो ना अपने डैड का घर और बिजनेस। हाँ, और सड़कों पे आ जाओ ना। अच्छा, तो फिर तुमने और करना क्या है, क्या सोचा है तुमने, कुछ है तुम्हारे दिमाग में? मैं डैड को राजी करूंगा। कैसे? मैंने दूसरी शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। अगर मैं डैड को समझाऊं कि मैं जमल और तुम्हें साथ रखना चाहता हूं, तो उम्मीद है कि वो... तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया फारिस? फारिस, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं जमल की सौतन बनकर रहूंगी? अरीबा, थोड़े ठंडे दिमाग से सोच। हरगिज नहीं फारिस, मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ, जमल नहीं। अरीबा, बात को समझने की... मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी पहली बीवी और तुम्हारी दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं करूंगी।